जो है एमपी एमएलए कोर्ट में हाजत है, इस हाजत में इन्हें रखा जाएगा। और नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ। देखिए, सुबह से ही उनके घर पे छापेमारी हो रही थी, आपने लाइव सिटीज पे खबर देखा होगा। पर देखिए, इस वक्त की हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, राधा चरण सेठ जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनको पटना के ईडी ऑफिस में लाया गया है। देखिए, सीधा उनको आरा से गिरफ्तार किया गया है और उनको पटना के ईडी ऑफिस में लाया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी देख सकते हैं। और देखिए, हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि राधा चरण सेठ जो जेडीयू के एमएलसी हैं, कई बार उनके आवास पे भी छापेमारी हुई है, तमाम चीज़ आप जानते हैं। पर देखिए, कड़ी सुरक्षा में उनको पटना के ईडी कार्यालय में लाया गया है, जहां पे हमने राधा चरण सेठ जो जेडीयू के एमएलसी हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की है। देखिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं पर कई बात उन्होंने रखे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं राधा चरण सेठ, पहले आप वो सुने। अरे रास्ता तो पहले क्या कहना है सर, क्या कहना, क्या कहना है सर, राधा चरण सिंह गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद है कि कल तो अभी आप राधा चरण सेठ को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या उन्होंने कुछ कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। देखिए, हमने बात करने की कई बार कोशिश की, कई बार मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की पर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, केवल एक जवाब दिया है, ठीक है, ठीक है। देखिए, जब इस वक्त गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी लाइव सिटीज पे सबसे पहले आपको खबर दिखाया गया था कि क्या कुछ हुआ था हलचल, और अभी पटना के जो ईडी ऑफिस है वहाँ पर लाया गया है, तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं वो तैनात हैं, उनको एमपी एमएलए कोर्ट भी ले जाया जाएगा। देखिए, हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ फैसले आते हैं वो देखने वाली होगी। पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राधा चरण सेठ को पटना के ईडी ऑफिस में लाया गया है, यहीं पर रखा जाएगा। देखिए, तमाम जितने भी जेडीयू के लोग थे वो भी इस पे क्या कुछ कर रहे थे वो आपने सुना, आरजेडी के लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। पर पहले लालू प्रसाद यादव के पे जो सीबीआई के लोग हैं उनके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई करने का अनुमति मिल जाता है, उसके बाद राधा चरण शाह जो जेडीयू के एमएलसी हैं उनको लाया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कल जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो सियासत करते हैं, जो राजनीति करते हैं वो क्या जवाब देंगे, क्या जानकारी देंगे। बीजेपी पे तमाम जो लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, वो ऐसे भी हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि जो ईडी सीबीआई है जो सब भाजपा के इशारों पे काम करती है। फिलहाल राधा चरण सेठ को पटना के जो ईडी कार्यालय है वहाँ पर लाया गया है, वहाँ पर रखा गया। हमने आपको तमाम जो तस्वीर है वो दिखाई है, क्या कुछ कर रहे थे राधा चरण सेठ वो भी हमने आपको सुनाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडीज के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।